हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और सुबह से लेकर के शाम हो चुकी है, टाइम हो रहा है अभी 5। तो सुबह से लेकर के शाम तक मैंने बहुत कुछ किया, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ जल्दी 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 ऐसे। तो आज सुबह मैं वैसे भी जल्दी उठा बिकॉज आज पूजा पाठ सब थोड़ा सा जल्दी करना था, बिकॉज नागपंचमी था तो थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आज का दिन। तो उस हिसाब से पूजा पाठ और ये सब चीज़ें की, एंड देन अभी मैं चाय बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे एटलीस्ट अब से तो कनेक्ट कर लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं डे बाय डे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ लगती है कि नहीं यार आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया तो मॉर्निंग में मैं उठ गया था अराउंड 7 बजे, और फटाफट नहा वहा के और अपना पूजा पाठ वगैरह किया मैंने। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने मॉर्निंग में खाया था पोहा। पोहा था भाई इंदौरी एकदम बढ़िया वाला, क्योंकि इंदौर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि कैसा बनता है और कैसा होता है। तो बना के एकदम बढ़िया वाला, जो कहते हैं भाप पे बना हुआ पोहा, वो खाया। उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ काम था वो करने लगा, ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह थी। तो उसके बाद फिर मैं करीबन 1-1.5 बजे के आसपास मैंने लंच किया, और लंच में आज खाया था मैंने आलू चने की सब्जी और रोटी। उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया मीटिंग, बिकॉज क्योंकि अभी वीकेंड के टाइम पे और मंडे के टाइम पे ही रहता है मोस्टली। सबको यही याद आता है कि वीकेंड स्टार्ट हो गया है, फटाफट खत्म कर लो, 2 दिन कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो। मंडे को ये होता है कि अरे यार वो वीकेंड का वो छूट गया था, पिछले हफ्ते का वो आज का फॉलो अप होगा, कैसे करें। तो सबका मतलब ये मेरा अकेले कहीं नहीं, सबका है, सबका सब ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो ये 2 दिन इस तरीके से मैंने मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक पूरा बिजी 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 चलता रहता है। फिर अब कल परसों 2 दिन अपन मस्त है, मस्त है मिनटों से कि थोड़ा सा वर्कलोड कम रहेगा, बिकॉज खुद का कुछ कर रहे हो आप तो 24/7 रिस्पॉन्सिबल होते हो आप चीज़ों के लिए। और नुकसान हुआ है तो आपकी वजह से, और सही हुआ है तो फायदा आपका है ना। कुछ एक ऐसी बात भी की जाए जिससे कुछ एक फुल रिजल्ट निकल के आए, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोग अभी टेक्नोलॉजी को कब से जान लेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। बट अगर टीनेजर हो आप और आपके टाइम पे ये चीजें आई हैं तो पूरा फायदा हुआ। लेकिन साथ में ये चीज ध्यान रखो कि इस एज में आपको ये चीज मिल गई है तो आगे आने वाला टाइम इससे ज्यादा फास्ट और इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ रहेगा, इससे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय यूज होगा। तो मुझे जो लगता है कि आपको आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा इन सब चीजों को लेकर के सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज 2016 के पहले यूपीआई आई थिंक कोई नहीं जानता था, ठीक है, बट आया, सब लोग यूज कर रहे हैं। अभी सब जगह पे कैशलेस कैशलेस कैशलेस, और अभी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रुपी करके वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट से सुविधा ले रहे हो तो आपको फायदा उस यूपीआई के थ्रू ही मिलेगा। मतलब वो काइंड ऑफ प्रीपेड वो हो गया है कि आपको एक कूपन या जिस तरीके से होता है वाउचर, उस टाइप से दिया जाएगा, एंड आप पर्टिकुलर उसी जगह पे जाकर के उसको रिडीम कर सकते हैं। मीन्स अगर वो वाउचर किसी खेती का है रिलेटेड टू खाद और सब चीज़, तो आप वहीं पे रिडीम कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं और ये चीज़ें किसानों के और सबके साथ जा रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब हर किसी से कनेक्ट होना जा रहा है, AI कहीं ना कहीं सबसे कनेक्ट होगा, राइट। तो आपको अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि अपग्रेड करना, अप टू डेट रखना, क्योंकि आप तो रहोगे बट आपके पेरेंट्स कर गए, समझ रहे हो। तो मेरा यही आपसे एक रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों के लिए एजुकेट करो। एटलीस्ट उनको व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, देन उनको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो वो चीज़ आना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि ठीक है उनको कीपैड वाला फ़ोन दे देंगे हो गया, ऐसा सही चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी कुछ नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मतलब कल क्या होगा परसों क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो उस हिसाब से धीरे धीरे पेरेंट्स को भी अब
अपडेट करो, मतलब अपग्रेड करो चीज़ों से, चीज़ों को मतलब उनको बताने की कोशिश करो और सारी चीज़ें उनको समझाओ, पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप हो, आपका एक फैमिली ग्रुप हमेशा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जैसे हम लोग पहले जाते थे कि भाई ये फैमिली ग्रुप नहीं है और हमें कहीं जाना है, हम कहीं रुके हुए हैं, तो हमारा क्या होता था कि घर वालों को बता देते थे कि हम आ जाएंगे या इतनी बजे तक आ जाएंगे, तो वो लोग क्या है चिंता में रहते थे, ठीक है। बट अभी AI है, चीज़ें आगे बढ़ गई बहुत तेज़ी से, और अगर आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ बढ़िया फैमिली के साथ में, एंड कोई भी अपडेट है रिलेटेड टू, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे ट्रैवल किया या फिर तो जाए भाई साहब को चले जाने अपने, तो आपको सुनने नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बेटर, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस ग्रुप के अंदर वो डिटेल्स दे दो, लाइक लाइव लोकेशन शेयर कर दिया, तो उससे क्या रहता है ना कि पेरेंट्स की थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है, उनको ये रहता है कि हाँ मेरा बच्चा आ रहा है, कहाँ तक पहुँचा, अच्छा यहाँ तक पहुँच गया है ना। और इन केस भगवान ना करे, बट इन केस कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय भी ट्रस्ट करने में थोड़ा सा ईजी रहता है, समझे। बिकॉज रिसेंटली अभी एक डॉक्टर थी जिनका अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिनका हिमाचल के वो पहाड़ वगैरह से जा रही थी और पूरा वैन वगैरह सब पलट गई, याद होगा आपको ये चीज़। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अपनी आदत में लेके आओ, फैमिली को थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज़ का दो। एंड तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ टीनेजर्स के लिए कि आप लोग अपना पैशन कभी भी मत छोड़ो, करियर अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह है, पैशन अपनी जगह है, पैशन फॉलो करते करते अगर उसमें करियर बन जाए तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अदरवाइज सबसे बेस्ट एग्जांपल एक सॉन्ग है, आप सुनो और ये सॉन्ग सुनने के बाद आप खुद बोलोगे कि ये कितना तेजी से वायरल हुआ। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये सॉन्ग जब वायरल हो सकता है तो कौन सा पैशन आपका कब किस समय वायरल हो जाए, कौन सी चीज आपकी कब किस समय बहुत वायरल हो जाए। इसलिए अपने पैशन को कभी भी आप मतलब इस तरीके से मत छोड़ो कि नहीं यार बस हुआ अभी और बस अभी क्या करेंगे, छोड़ो यार छोड़ दिया, नौकरी वोकरी में लग गए तो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अपना पैशन फॉलो करो, जैसे ये वीडियोज बनाना ये मेरा पैशन है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि मेरे आगे के वीडियोस और आगे के उसमें मीन्स पहले मेरा कुछ चैनल्स थे और कुछ कुछ मैंने ट्राई भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ, जैसे मेरे को लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं करूंगा बाद में आपसे शेयर करूंगा वो सब, उसके लिंक्स वगैरह भी शेयर करूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके मेरा वो चीज़ें भी देख लोगे। देन फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हम हाल फिलहाल जो 3 पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे वो यही थे मेरी तरफ से, ठीक है। एंड अभी हम पी रहे हैं अपनी चाय जो कि अभी बन रही है, अभी पी नहीं रहे, अभी बन रही है, बनने के बाद फिर मैं बढ़िया अपना जो कहते हैं ना कि कर देंगे स्टार्ट, फिर वापस से अपने कामकाज में लग जाएंगे। एंड मैं फ्री हूँगा 6:30-7 बजे तक, फिर आपकी ये वीडियो है इसमें कुछ कट और जो भी एडिट होंगे थोड़े बहुत वो स्टार्ट कर दूंगा। देन फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा पहले खाना वाना बनाना, एंड देन हाँ खाना बनाने से याद है, अगर आपको मेरी वीडियोस में ये पार्ट भी चाहिए कि जैसे अभी मैं चाय बनाते बनाते आपसे बात कर लेता, अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको कि मेरी वीडियोस में आप देखना चाहते हो, जैसे मैंने पोहे बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा भी अपना एक रेसिपी अपना एक स्टाइल है, अगर आप चाहते हो कि वो भी चीज़ें मैं कवर करूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना आप लोग। दूसरी चीज़ अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगती है तो ये भी आप मुझे बताना। एंड तीसरी चीज़ अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे, और स्पेशली टीनेजर्स, बिकॉज उस समय मैंने जो फेस किया या मेरे साथ में जो हुआ या ऐसा हुआ कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए अपनी डायरेक्शन खुद निकालना पड़ती थी, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ इधर जाओ, फिर कहीं सही डायरेक्शन मिलती थी चले जाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है। तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड अगर आपको चाहिए कि पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए कहीं पे भी, तो मैं मेरे से जो बेस्ट बनेगा मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं अरेंज नहीं करवा पाया तो आपको गाइड जरूर कर दूंगा कि आपको कहाँ से कैसे किसके पास से किससे बात करनी पड़ेगी। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप किसी से कनेक्ट होते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग टीम्स होती हैं इस चीज़ के लिए, जैसे एच आर अलग काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम करता है, देन प्लांट की अलग टीम्स होती हैं, है ना। तो आप मुझसे इस तरीके से कनेक्ट रहो, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा, बिकॉज मेरा ये ब्लॉग चैनल बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं मेरे दिन भर की एक्टिविटीज़ के साथ में कुछ ऐसा दे पाऊँ आप लोगों को जो आप लोगों के लिए वर्थ हो और आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो चाय के बाद मुलाकात होगी अब, एंड शायद हो सकता हो एडिट करते टाइम आपको जैसे डेली रात में मिलता हूँ चेयर के ऊपर मस्त पड़ा हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 और वीडियो की एडिटिंग चल रही है, तो 1:30 तक आई थिंक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एडिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आप वीडियो को एंजॉय करिएगा। होपफुली लग तो रहा है वीडियो आज जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कल भी मैंने आपको बोला था और मुझे करते करते फिर भी 2:30 तो आज शायद 1:30 तक लग रहा है कि हाँ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं बिकॉज दिन भर बिजी होने की वजह से ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया अपन। और यस, अपडेट्स देना थी वो दे दी, बाकी जो 3 बातें मैंने बोली हैं आपको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा उसका, और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो इसे, बिकॉज ये कहीं से कहीं तक वल्गर या फिर ऐसा कंटेंट जिसे आप किसी के साथ शेयर करने से पहले सोचो, ऐसा कंटेंट नहीं है। तो आराम से इसको शेयर करिए, इसको स्प्रेड करिए, एटलीस्ट कम से कम कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचेगी और लोग उससे अवेयर होंगे, ठीक है। बिकॉज ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक एज पे लोगों को सोचने के लिए चाहिए होती हैं, बट कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, है ना। तो आज अगर मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ इस चीज़ में, बिकॉज मैंने अगर उस समय कुछ फेस किया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू और भी कुछ लोग कुछ अगर गेन कर पाएँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव उनके लिए हो और अवेयरनेस हो सके, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ शेयर करिए इसको। हम मिलते हैं कल फिर से। चलिए बाय बाय।